यूक्रेन और सूडान जैसे देशों में टीबी की बीमारी बहुत तेज रफ्तार से फैल रही है। टीबी का संक्रमण इतना ज्यादा पसर रहा है कि जो लोग युद्ध की वजह से यूक्रेन छोड़कर जा रहे हैं उन्हें ट्रैक कर पाना मुश्किल हो गया है। आलम यह है कि टीबी जैसी पुरानी बीमारी अब कोरोना और एड्स जैसी जानलेवा बीमारी से ज्यादा घातक बताया जा रहा है। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात तो यह है कि टीबी की वजह से इस वक्त दुनिया में रोजाना करीब 4,400 लोगों की जान जा रही है। बेहद चिंता वाली बात है, इस आंकड़े में 700 बच्चे भी शामिल हैं। आपने पुराने रूप में लौटा टीबी, संयुक्त राष्ट्र के शीर्ष अधिकारियों और हेल्थ इंडस्ट्री से जुड़े अन्य विशेषज्ञों का कहना है कि टीबी न सिर्फ घातक हो रहा है बल्कि यह अब अपने पुराने स्वरूप में भी नजर आ रहा है। इसके लक्षण ठीक उसी तरह है जैसे कुछ साल पहले हुआ करते थे। खांसी और बलगम की तकलीफ के साथ खांसते खांसते मुंह से खून आ रहा है, यह कोरोना महामारी के बाद देखने में आया है। यूक्रेन और सूडान में टीबी के मरीजों की संख्या उल्लेखनीय रूप से बढ़ रही है। यूक्रेन में तो पूरे यूरोपीय क्षेत्र में टीबी के अनुमानित लोगों की संख्या सबसे अधिक है। 4400 लोग रोज मर रहे हैं टीबी से। टीबी को अब डॉक्टर्स और विशेषज्ञ इसलिए घातक मान रहे हैं क्योंकि यह कोरोना और एड्स से भी ज्यादा नजर आने लगा है। दरअसल इस वक्त पूरी दुनिया 4400 लोग रोजाना मारे जा रहे हैं। चिंता की बात यह है कि टीबी बच्चों को भी अपना शिकार बना रहा है। मरने वालों में से 700 बच्चे भी शामिल हैं।